खरबूजा लेके आया हूँ मैं। एक खरबूजा बाजार से और भी लाना था ना यार, पूरा है ना एक और लेके आया हूँ मैं। हमारे कबाब फ्राई हो रहे हैं। हाँ आइस बने हैं, खिले खिले जूसी जूसी, थोड़ा थोड़ा डाले बाजी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, आप कैसे हैं? हम सब भी अल्लाह पाक का शुक्र है, बिल्कुल थैंकफुल से हैं। उम्मीद करते हैं जी आप भी है हुए से होंगे। तो दोपहर का वक्त है जी, तकरीबन अढ़ाई हो चुके हैं। तो आज जी स्पेशल रेसिपी बनानी है। तो अभी जी देखिए जी, यहाँ पे बाजी ने कुछ चीज़ें कटिंग करके रखी हुई है। तो फिर आपको सबसे पहले जी मौसम जो है वो दिखाते हैं और फिर जी आपके साथ बाकी की रूटीन शेयर करते हैं। देखिए जी, खूब कड़ाकेदार धूप निकली है जी। ये देखिए जी, सूरज बिल्कुल सामने और यहाँ भी जी बहुत तेज़ धूप है जी। और बाजी ने ये देखिए जी कपड़े वाश किए हैं बाजी मीना ने, और इधर भी देखिए जी काफ़ी खूब दोपहर जो है वो रोशन दिन है जी। आज तो दोपहर काफ़ी ब्राइट ब्राइट जी है नज़र आ रही है। माशाल्लाह जी बहुत अच्छा मौसम है, पत्ते भीग रहे हैं जी, हवा चल रही है। चलते हैं अंदर और बाकी की रूटीन जी आपके साथ शेयर करते हैं। और ये देखिए बाजी बैठी हुई है, और ये देखिए जी मेरे जी घर आने से पहले, घर आने तक जी ये देखिए बाजी ने ये सारी चीज़ जी क्रश कर दी है। और बाजी आज ये क्या बनाना है? कबाब। हाँ जी, मिक्स विच, हाँ जी, चिकन वेजिटेबल कबाब, ठीक है जी। चले जी, और यहाँ देखिए जी ये आलू भी जी बॉयल हो रहे हैं। तो करते हैं जी ये चीज़ें, बाकी की जो रह गई है वो की कटिंग करते हैं, फिर आपके साथ जी शेयर करते हैं। तो अभी बस ये देखिए जी शिमला मिर्च, बंद गोभी, प्याज और ये है जी गाजर, इसको जी हम क्रश कर रहे हैं तो बारीक कर रहे हैं जी। और ये है जी हमारे आलू, ये भी जी बॉयल हो गए हैं। अब इसके जी छिलके उतार लेते हैं जल्दी जल्दी जी। ये सारी चीजें जी हमने चॉप कर ली है, तो अब जी अपने आलू को करते हैं जी मैश अच्छी तरह। तो अभी आलू जी हमारी अच्छी तरह मैश हो चुके हैं जी, ये देखें। तो बस आप जी अपने इस आलू वाले अमेजन में जी करते हैं सारी चीजें ये मिक्स। तो आलू है जी हमारे एक किलो, तो इसमें डालते हैं जी प्याज, ये है जी हमारा एक अदद बड़ा प्याज जिसको जी हमने इससे चॉप किया हुआ है। अब इसको जी शामिल कर देते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये है जी दो अदद शिमला मिर्च जिसको जी हमने इसी तरह बारीक चॉप कर लिया है, ये डालेंगे। और ये है जी बंद गोभी आधा फूल है जी, इसको भी हमने चॉप किया हुआ है, इसको भी डाल देते हैं। और ये है जी हमारी गाजर, गाजर है जी हमारी दो अदद, इसको भी हमने जी चॉप कर लिया है, तो अब इसको जी फिलहाल अभी आधा डाल देते हैं। और ये है जी हमारा चिकन जिसको जी हमने ये देखिए बॉयल करके तो इसके जी रेशे रेशे बना लिए हैं, और ये है जी आधा किलो, अब इसको भी जी डाल देते हैं। इसमें डालेंगे जी अपने मसाला चाप, एक अदर डालेंगे जी ये नमक, एक चम्मच डालेंगे जी ये मोटी सुर्ख मिर्च, आधा चम्मच डालेंगे जी पिसी हुई सुर्ख मिर्च, आधा चम्मच डालेंगे जी हल्दी,
और ये है जी हमारा सूखा धनिया पिसा हुआ, एक चम्मच आप इसे डालेंगे। जी हमारी 6 अदद सब्ज मिर्चे जिनको जी हमने इस तरह बारीक चाप किया हुआ है, ये भी डाल देंगे जी। ये है जी सब्ज धनिया और इसकी भी जी हमने कटिंग की हुई है बारीक, इसे भी डाल देते हैं जी। डाल देते हैं इसमें पुदीना खुशबू के लिए जी। एक चम्मच डालेंगे जी पिसा हुआ काला जीरा, एक चम्मच डालेंगे जी पिसी हुई काली मिर्च। अब इसमें डालेंगे जी 1 चम्मच के बराबर सिरका, क्योंकि गाजर जी मीठी होती है, गाजर मीठी होती है जी, उसका जी वो मीठापन खत्म हो जाएगा सिरके की वजह से। और 1 चम्मच डाल देंगे जी सोया सॉस, जायके के लिए जी टेस्ट आ जाएगा। और अब इसे करेंगे जी हाथों की मदद से अच्छी तरह मिक्स। तो व्यूअर्स हमारा जी मिक्सर तैयार हो चुका है, तो अब जल्दी जल्दी बनाते हैं जी कबाब। और ये है जी ट्रे और ये है जी पानी, इसके साथ जी बनाएंगे कबाब। और पानी में जी हाथ डिप करते जाएंगे और यहाँ से अपना मीना लेंगे, इस तरह गोल गोल से घुमाएंगे और इसे इस तरह जी प्रेस कर देंगे। और ये बन गया जी हमारा कबाब जबरदस्त। बहुत जबरदस्त कबाब बन चुके हैं माशाल्लाह जी। वेजिटेबल चिकन इस कबाब भी मेरे तैयार हो चुके हैं, तो अब यहाँ पे करते हैं चूल्हे की सेटिंग और सारी चीजें पा सकते हैं और कबाब को जी फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। तो फिर कबाब मैंने पास रखनी है, तो अब जल्दी जल्दी करते हैं जी इनको फ्राई। तो सबसे पहले डालते हैं जी घी, थोड़ा सा जी घी डालेंगे। तो भी बस अंडे जी मुझे लाने याद ही नहीं रहे, क्योंकि आज मेरी तबीयत खराब है जिस वजह से मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तो जल्दी जल्दी अंडे लेके आते हैं, इनको पहले फेंकते हैं और फिर उसमें करते हैं डीप फ्राई करते हैं। ये हैं जी अंडे जो कि मैं ले आई हूँ, अभी इनको जी 2 अदद को फेंट लेते हैं। स्टार्ट करते हैं जी अपने कबाब बनाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखते हैं जी घी की क्या कंडीशन है, अभी गर्म नहीं हुआ। हमारे जी कबाब जो है वो फ्राई हो गए, कलरिंग का देखिए माशाल्लाह जबरदस्त गोल्डन आ चुका है। इसको निकालते हैं जी। मैं जी इधर कबाब फ्राई कर रही हूँ, बाजी वहां पे जी गाजर वो कटिंग कर रही है, क्योंकि साफ बनेगा जी पुलाव। एक से जी 1.5 मिनट के बाद इसके साइड चेंज करेंगे।
ये देखिए जी हमारे कबाब फ्राई हो रहे हैं। तो मैं बाजी से चावल निकाल के ले आई है, तो इसको जल्दी जल्दी जी साफ करके तो बाजी इसको वाश करके रख रहे हैं। अभी टाइम हो गया जी 4:30, थोड़ा सा टाइम रहता है बस, थोड़ा सा भैया तो 2 घंटे है तो साफ ही ने बस ध्यान मारी रहा है तो कोई रह ना जाए पता नहीं। चावल जी बहुत अच्छे हैं हमारे कायनात वाले हैं, बिल्कुल जी साफ हो रहा है। ये है जी हमारे आखिरी दफा के कबाब, सारे के कबाब देखे खत्म हो गए हैं, बर्तन खाली हो गए हैं। कबाब जी हमारे फ्राई हो चुके हैं, चूल्हे को कर देते हैं ये बात और इनको निकाल लेते हैं जी सबको एक एक करके। देखें जी इनका कितना ज़बरदस्त गोल्डन कलर आ चुका है माशाल्लाह जी, और बहुत ही अच्छे बने हैं जी आज। तो अभी बस ये है जी हमारे वो चावलों का सारा सामान, चिकन टमाटर लहसुन अदरक जो हमने जी तैयार कर लिया है इसको वाश कर लिया जी चिकन को, और चावल भी जी वाश है, और ये सारी चीज़ें लेकर जी चलते हैं चूल्हे के पास और अपने जी चावल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बस ये देखें जी मैंने अपने चावलों की रेसिपी का सारा सामान रख लिया है, तो आप देख रहे होंगे कि चीज़ें आज बहुत ज़्यादा हैं जी, वेजिटेबल भी हैं और ये चिकन भी है। तो जैसे कि आज हमने कबाब भी वेजिटेबल और चिकन के बनाए, तो 4 kg वेजिटेबल और चिकन के बनेंगे। तो सबसे पहले डालते हैं जी घी, डाल लेते हैं जी घी। तो मैं घी गर्म हो चुका है जी, सबसे पहले डालते हैं जी 1 अदद प्याज। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्याज हमारे जी हफ्ते के फ्राई हो चुके हैं, अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 2 चम्मच के बराबर। अब इसमें डालेंगे जी टमाटर, और टमाटर जी हमारे 1/2 किलो। इसमें तो हमें टमाटर जी हमारे डाल चुके हैं, अब इसमें डालेंगे जी ये अपना चिकन, चिकन है जी हमारा 1 किलो। डालेंगे जी इसमें नमक, बिस्मिल्लाह। हाँ जी ये ना जनाब खरबूजा लेके आया हूँ मैं। एक खरबूजा बाजार से और भी लाना था ना, ये आज पूरा है ना, एक और लेके आया हूँ मैं। फिर एक ऊपर को लेके आए, ये आज सही से बताया मुझे, ये चिकन जो है देसी है लगती है ये तो लग रहा है कि ये ना तो मेरे पर लिए बताते भी नहीं है, बाहर में बताते हैं। दूसरा जरा अंदाज़ वो ना भी सारा जगह पूरा ही मेरे सामने सही से बताए देसी नहीं है, देसी नहीं है। ये चिकन बहुत अच्छा लाए हैं, ठीक है चेक करें आप। ये हमारे जी पास की पली हुई होंगी शायद, हमारे पास ही नई दुकान खुली है,
वहाँ से लाए ना अस्पताल हाँ हॉस्पिटल के सामने से हाँ जी तो वहाँ से मेरे घर में बहुत अच्छा चिकन मिलता है आयदा भी वहाँ से लाया था मैं तो उधर से ले के आता हूँ अब डालते हैं जी अपने मसाला जार क्योंकि चिकन को जी मैंने 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई कर लिया है एक चम्मच डालेंगे जी मोटी कुटी मिर्च सुर्ख आधा चम्मच हल्दी एक चम्मच डालेंगे जी पिसा हुआ सूखा धनिया डालिए नमक जी मैंने पहले डाली है अब नमक भी डालेंगे और आप इसको करते रहिए अच्छी तरह फिर से मिक्स और फ्राई डालेंगे जी सब्ज़ मिर्चें आप डालेंगे जी अपनी सब्जियां और ये है जी गाजर जिनकी जी हमने इस तरह कटिंग की हुई है बारीक बारीक ये है जी दो आधा जिनको डाल देते हैं और ये है जी बंद गोभी और ये है जी आधा फूल उसको भी जी डाल देते हैं इसकी भी जी कटिंग बारीक है और ये है जी हमारी शिमला मिर्च तकरीबन 3 आधा था जी आप इनको भी जी डाल देते हैं और अब इन सब्जियों को चिकन को जी अच्छी तरह फिर से कटे फ्राई चिकन और सब्जियां जो है वो अच्छी तरह फ्राई हो चुकी हैं जी अब इसमें डालते हैं जी पानी पानी डालेंगे जी इसमें 2 किलो क्योंकि हमारे चावल हैं जी 1 किलो इसके उबालने के इंतजार करते हैं फिर डालेंगे जी चावल तो मैं इस पानी का जो उबाल आ चुका है अब इसमें डालेंगे ये साबुत मसाले तेज़पात गरम मसाला जीरा जी और ये बादियान के फूल दाल चीनी लौंग काली मिर्च ये सब जो मिक्स है इसको डाल देते हैं जी इसमें डाल देते हैं और थोड़ी देर के लिए इनको और अब इसमें डालते हैं जी चावल और चावल है जी हमारे 1 किलो ये देखिए जी पानी खुश्क हो चुका है तो आप इसको लगाते हैं जी चावलों को डाल तो अभी बस दम जी लग चुका है तकरीबन 15 से 16 मिनट का हम दम लगाएंगे अभी जी आंच को तेज रखेंगे तवा जब गर्म हो जाएगा तो फिर आंच को कम कर देंगे और ये सब मिर्चें जी डालनी हमें याद ही नहीं रही चलो जी बस चूल्हे को जी मैंने उस साइड पे कर दिया है और यहाँ पे जी बिछाते हैं चटाई और लगाते हैं जी दस्तरखान मीना इधर बैठी हुई है जी बाजी रोजा लगा हुआ अच्छा वैसे सुस्त हो गया इस वजह वैसे ही रोजा लग जाता है और इधर जी बाजी निकालने लगी है जी जामे शीरी बाजी जी दूध निकालने लगी है ये है जी दूध और इसमें जी डालते हैं पहले चीनी चलो जी इसमें चीनी मिक्स कर लेते हैं जी पहले इसमें डालते हैं जी जामे शीरी और रूह अफ़ज़ा एक ही चीज़ है जी जामे शीरी रूह अफ़ज़ा चले जी ये जी हो गया तैयार और इसे डाल लेते हैं जी जग में ठीक है भाजी ये जी दूध और डाल लेते हैं ये दूध थोड़ा है जी एक जग भर के अभी जग भर में है दो जग भर ये जो बच गया जी ये दूसरे जग में डाल लेते हैं चलिए जी चलिए जी ये जी पहली चीज आ गई है जी दस्तरखान पर जी रायता और ये है जी हमारा दही घर का जमा हुआ
ये है जी हमारी सब चटनी जिसमें लहसुन अदरक और धनिया पुदीना डाला हुआ है जी, इसमें मिक्स कर लेते हैं। और ये बन गया है जी हमारा रायता, जीरा, ये है जी हमारे भल्ले, ये है जी भल्लों की चटनी। तो ये पड़े हुए हैं जी अभी, तो जिसे खाने में कोई एक आध बच्चा खा ही लेगा। और जी मैंने धो लिया है। अच्छा जी, खजूरे बाजी जी धो के ले आई हैं, हस्बैंड साहब आ गए हैं जी, ये खरबूजा काट लेंगे। और सारा जी हमारा दस्तरखान जो है वो सज गया जी माशाल्लाह। और सिर्फ जी हमारे रह गए हैं चावल, वो उधर पड़े हैं, अभी टाइम काफी है। आज गर्मी है ना तो रोजा लग रहा है ना, अभी जी 6 हो गए जी, काफी ज्यादा टाइम पड़ा है। और खाते हैं जी आपको, आप बाहर का मौसम देखे जी, शाम हो गई है, सूरज यहाँ से देखे गरीब हो रहा है, शाम हो गई है जी हमारे गाँव की। चले जी चावल जी हमारे पक चुके हैं माशाल्लाह जबरदस्त, देखिए जी माशाल्लाह बहुत अच्छी लुक लग रही है। बाजी जल्दी डालें, टाइम थोड़ा रह गया, 5 मिनट रह गए हैं, और सबकी प्लेटें भी तैयार होने वाली हैं। जल्दी जल्दी जी बाजी डाल देती है, माशाल्लाह जी बहुत अच्छे हमारे जी राइस बने हैं, खिले खिले जूसी जूसी, चिकन और सब्जियों का जी पुलाव बने माशाल्लाह जी। थोड़ा थोड़ा डालें बाजी है, माशाल्लाह दूसरी प्लेट भी जी बन गई है, जल्दी करें है ना। चलें जी बाजी जी जल्दी जल्दी चावल डाल रही हैं, और टाइम थोड़ा रह गया जी इफ्तारी में। चलें जी कमाल का जी पुलाव बना है माशाल्लाह जी, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, कुछ रोजा भी लगा हुआ है, कुछ खुशबू भी आ रही है। बाजी ने चावल डाल दिए जी, और मैं जल्दी चीन के कबाब ऊपर रख देती हूँ। और ये देखिए जी हमारे कबाब माशाल्लाह ये भी बहुत अच्छी लुक वाले तैयार हुए हैं जी, इधर दो दो जी रखते जाते हैं और इनकी प्लेटें जी बनाते जाते हैं। और ये बन ही गई हैं जी माशाल्लाह जी, और लुक देखें जी कबाब की, जबरदस्त लुक आई है माशाल्लाह जी। आज का जी हमारा खाना VIP स्पेशल खाना बन गया, क्यों भाई? जबरदस्त। हसन साहब को जी वैसे भी कबाब बहुत पसंद है। डालेंगे जी गिलासों में ये दूध वाला जी जामे शीरे, जामे शीरे भी जी डाल चुका है दूध वाला, सारे जी ये भी हमारे तैयार हो गए हैं जी, गिलास जितने बंदे उसने में डाल दिया जी। हमारे चावल कबाब, जामे शीरे भी साथ, और ज़बरदस्त जी माशाल्लाह खाना लग रहा है जी, ज़बरदस्त लग रहा है। क्यों जी कैसा खाना बना है आज? ज़बरदस्त जी, आपकी पसंद का है ना कबाब वगैरह। और ये रायता, और ये बाजी जी अभी चीज़ें डाल के दे रही हैं। रोजा जी इफ्तार होने वाला है, दुआ मांग लेते हैं, रोजा इफ्तार हो गया जी। मजे दे पक गए चावल, खाना बहुत ज़बरदस्त लगा है, कबाब भी मजे दे बने ने। और कबाब के जी आप लोग चेक करवाते हैं, ये देखिए जी रिश्तेदार जी हमारे कबाब हैं, और सब्जियां जी बिल्कुल अंदर से खस्ता और पक गई हैं, और ऊपर जी हम डाल के खा रहे हैं जी रायता। आपने भी रायता लिया? बहुत टेस्टी लग रहा है जी, बहुत मजे के बने, मजा आ गया, बहुत जबरदस्त खाना है जी आज का माशाल्लाह जी, साथ जामे शीरी मजा दबाना हो गया। आज गर्मी आज बस गर्मी थी जी बहुत ज्यादा, और आज का रोजा जो था वो थोड़ा सा सख्त था।
अपनी अपनी वीडियो को ऐड करेंगे क्योंकि रोज़ा तो अफ्तार हो चुका है और नमाज भी पढ़नी है। तो आज का जी खाना जी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना जी माशाल्लाह, क्यों जी मज़ा आया? हाँ जी बहुत मज़ा आया, मज़ा आ गया बड़ा कबाब के साथ चावलों का टेस्ट, रोज़ा खोलने का मज़ा आ गया। तो उम्मीद है कि आपको भी जी हमारी आज की रूटीन और आज का खाना जो है वो ज़रूर पसंद आएगा। तो अगर आपको भी हमारा आज की रूटीन पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिए। हमारे जितने बहन भाई दोस्त आप हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं और जो नहीं भी कर रहे जिस सब से पहला पाक इजाफा फरमाए और सबको से तो तंग से और सबसे पहले जी इतनी अच्छी अफ्तारी कर ले पाजी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हूँ। और इजाजत दे ठीक है व्यूअर्स, इसके साथ ही हमें इजाजत दें। ओके अल्लाह हाफिज़।